आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक छोटा सा टॉपिक, और ये वीडियो है जो बच्चे क्लास 11th को पास करके 12th में आए हैं। ठीक है, रिजल्ट आज आ गया होगा, मोस्टली सभी पास हो गए होंगे। अगर किसी की कंपार्टमेंट वगैरह आई है तो वो तैयारी करें अपना दोबारा से, और जो फेल हो गए हैं वो फिर से तैयारी करें अगले साल पास होने की। और जो 12th में आ चुके हैं उनके लिए स्पेशल हमारा एक नया कोर्स आ रहा है, जो कि हम ला रहे हैं दो सब्जेक्ट पे। एक तो हमारी हिंदी जो थी और दूसरे हमारे इंग्लिश है, इस पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो हिंदी और इंग्लिश है, ये दो सब्जेक्ट हमने अपने चैनल पे नहीं करवा रखे थे अच्छे तरीके से। पोल साइंस हमने कंप्लीट करा रखी है, हिस्ट्री हमने कंप्लीट करा रखी है, ज्योग्राफी हमने कंप्लीट करा रखी है, सोशियोलॉजी हमने कंप्लीट करा रखी है, फिजिकल एजुकेशन हमने कंप्लीट करा रखी है। ठीक है, ऐसे ही हमने ये 12th क्लास के इतने सब्जेक्ट कंप्लीट करा रखे हैं, लेकिन हमने यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश कंप्लीट नहीं कराया था। लेकिन अब हम एक नए सिरे से कोर्स को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम कंप्लीट अच्छे तरीके से हिंदी पढ़ाएंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से और इंग्लिश पढ़ाएंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से। ठीक है, तो हमारे चैनल पे दो नए टीचर हैं जो कि जबरदस्त पढ़ाने वाले टीचर हैं और एक्सपीरियंस्ड वगैरह है उन्हें अच्छा, तो उस हिसाब से आपको काफी चीजें नई चीजें सीखने को मिल जाएंगी। और हिंदी जो हम पढ़ाएंगे उसमें क्या होगा, सबसे पहले तो हमारा जो समरी होती है चैप्टर की, कोई भी अगर हम चैप्टर पढ़ते हैं तो उसकी कंप्लीट लिटरेचर में हमें समरी वगैरह अच्छे से जान जाएंगे कि स्टोरी क्या है, कैरेक्टर क्या है, सब कुछ अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद उस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो है उस पर डिस्कस करेंगे, और इंपॉर्टेंट जीवनी जो जीवन परिचय है ये भी पेपर में काफी आता है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। जीवन परिचय आपको सारे के सारे जीवन परिचय बताए जाएंगे अच्छे तरीके से बिल्कुल ट्रिक के साथ, जिससे कि आपको उनकी रचनाएं और उनका जन्म स्थल वगैरह जो भी आपको उसके बारे में याद करने में दिक्कत आती है वो सारी चीजें आपको अच्छे से याद आ जाएंगी, याद हो जाएंगी। कविता, कविता जब हम पढ़ते हैं तो उसकी जो सा प्रसंग व्याख्या होती है उसमें बच्चों को दिक्कत आती है, तो आपको व्याख्या कराई जाएगी बहुत ही सिंपल अच्छे तरीके से, जो कि आपको क्या है बिल्कुल एक बार अगर आप वीडियो को देखोगे तो आपको बिल्कुल ऐसा फील होगा कि आपको सारी चीजें बिल्कुल वीडियो देखते के साथ ही आ गई है। ठीक है, कोई भी चीज आपको मुश्किल नहीं रहेगी। काव्य सौंदर्य जो होता है वो कराएंगे, फिर उसके बाद राइटिंग सेक्शन की बात करें तो पत्र, निबंध, फीचर वगैरह जो भी हमारा लिखने का आता है इस पे ध्यान देंगे। अभिव्यक्ति और माध्यम से जो हमारे क्वेश्चन बनते हैं वो भी आपको लास्ट में करा दिया जाएगा, यानी कि कंप्लीट हिंदी। अगर आप हमारे चैनल से कंप्लीट हिंदी देख लेते हैं, हमारा ये कोर्स सॉरी वीडियो देख लेते हैं, तो आपको किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आने वाली, और हिंदी में आपके बड़े आराम से 90+ मार्क्स आएंगे बहुत ही आराम से। ठीक है, हिंदी को हम हल्के में लेते हैं, हम सोचते हैं क्या पढ़ना यार, हिंदी भी क्या पढ़ना, और जबकि आपको पता है कि हिंदी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप इसमें अच्छे नंबर ले आते हो तो आपके इसमें थोड़ी सी मेहनत में अच्छे नंबर आ जाते हैं, इंग्लिश में आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है तब जाके कहीं अच्छे नंबर मिलते हैं। यहाँ पे अगर आप थोड़ी मेहनत करोगे तो आपके 90+ नंबर आना आसान है। और फिर क्या है कि भाई परसेंटेज बढ़ाती है तुम्हारी, सबसे बड़ी चीज तो तुम ये भूल जाते हो कि ये परसेंटेज में कितना महत्वपूर्ण रोल है इसका। जब तुम हिंदी जोड़ोगे अपने सब्जेक्ट में तो आपके जब अगर 90+ नंबर आते हैं तो आपकी कितनी ज्यादा परसेंटेज बढ़ जाएगी आप सोच सकते हैं। ठीक है, और आपको कॉलेज वगैरह में जब आप एडमिशन लोगे तो आपको ये बहुत फायदा पहुंचा देगा सब्जेक्ट, तो इसको बिल्कुल भी इग्नोर अगर आप कर रहे हो ना तो इग्नोर मत करना। 11th क्लास में जो किया सो किया, पर 12th में भूल के भी गलतियां मत करना, अच्छे से पढ़ना पूरे साल और मेहनत करना हर एक सब्जेक्ट पे, आपको सारी चीजें अवेलेबल हो जाएंगी। अब बात कर लेते हैं हमारा जो दूसरा कोर्स है वो हमारा कंप्लीट इंग्लिश का कोर्स है। इंग्लिश में हमने जो राइटिंग सेक्शन था वो वाला तो करा रखा था सुधीर सर ने, लेकिन क्या था कि जो हमारा चैप्टर हो गया, नोवेल हो गया, पोएम्स वगैरह हो गई, ये सारी चीजें तो हमने कराई नहीं थी। बट इस साल क्या करने वाले हैं, हम कंप्लीट आपको इंग्लिश कोर्स कराने वाले हैं जिसमें हमारा कंप्लीट सब कुछ होगा। अगर हम यहाँ पे बात करें, आप सबसे पहले टेक्स्ट बुक की बात करते हैं तो टेक्स्ट बुक हमारी जो फ्लेमिंगो और विस्तास है आपको ये सारा ही कराया जाएगा, सारे चैप्टर कराए जाएंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से कराए जाएंगे। जल्दी हमारी इंग्लिश की वीडियो आने वाली है, पहले आप देख लोगे आपको खुद पता लग जाएगा कि क्वालिटी और जो एक्सप्लेनेशन है वो क्या है और कैसा है। इसके बाद बात करेंगे नोवल, जब हमारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे तो हम अपने नोवल्स पे भी डिस्कस करेंगे, और जो राइटिंग सेक्शन में जो भी चीज आती है, नोटिस, एडवर्टाइजमेंट हो गया हमारा, ठीक है, लेटर वगैरह जो भी होते हैं हमारे, ठीक है, ये सारी ही चीजें हम क्या है नए सिरे से बिल्कुल अच्छे तरीके से करेंगे। और रीडिंग सेक्शन में फिर हमारे जो पैसेज वगैरह होते हैं उसको कैसे करना है आपको ये बताया जाएगा, और आपको नोट मेकिंग वगैरह जो भी चीजें इंपॉर्टेंट है सारी चीजें कंप्लीट करा दी जाएगी, एक भी ऐसी चीज नहीं बचेगी इंग्लिश में या हिंदी में जो आपको ना कराई जाए, सब कुछ कराया जाएगा, कंप्लीट कराया जाएगा, बेहतरीन तरीके से कराया जाएगा। और बहुत ही जल्दी हमारी मोबाइल ऐप आने वाली है, जब हमारी ऐप आ जाएगी तो आपको सारी जो पीडीएफ है वो मोबाइल ऐप में मिल जाएंगी, अवेलेबल हो जाएंगी और फ्री में अवेलेबल हो जाएंगी, तो आप ऐप के अंदर ले सकते हैं सब कुछ। बट अभी टाइम लग रहा है, थोड़ा सा ऐप बनने वाली है, हो सकता है 15 से 20 दिन के अंदर हमारी ऐप
लॉन्च हो जाए, तब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये हमारा नया कोर्स है और सपोर्ट करें, अच्छे से पढ़ें, और जो भी बच्चा 11th से 12th में आ गया एक बार कमेंट कर दे, और कैसे रहेगा हमारा ये कोर्स आप बताएं एक बार कमेंट करके। आई होप आपको मजा आएगा, क्योंकि अब इतनी सारी चीजें हम अपने चैनल पर कराने वाले हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट करा चुके हैं जिससे हजारों लाखों बच्चों को फायदा हुआ है, अब इन सब्जेक्ट से तो और ज्यादा बच्चों को फायदा होने वाला है। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।